तो भाई सुबह हो गई है और बहुत ठंड हो रही है इस टाइम पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो हम निकल रहे हैं ले के लिए। अगर आपने फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा जिसमें हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी मनाली से सरचू तक की, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, लिंक ऊपर आ रहा होगा। एंड इन दिस व्लॉग वी आर स्टार्टिंग अवर जर्नी फ्रॉम सरचू टू ले, जिसमें सबसे पहले आने वाला है हमारा गाटा लूप्स, जिसमें कॉन्टीन्यूस 21 हेयर पिन बेंड्स आते हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पर एक भूत भी है। और उसके बाद आता है पांग, जो कि हम जाएंगे वाया नकीला पास होते हुए, जो कि इस रूट का सबसे हाईएस्ट पास होने वाला है। एंड उसके बाद आता है मोरे प्लेन्स, जो कि मेरी फेवरेट लोकेशन है क्योंकि एक काफ़ी लंबा स्ट्रेच आता है जिसमें चारों तरफ पहाड़ और बिल्कुल प्लेन रोड होती है। और फिर उसके बाद आता है तांगलांगा पास, जिसकी हाइट है अराउंड 53,000 मीटर। एंड यहाँ से व्यू काफ़ी अमेजिंग आता है। और फिर उसके बाद आती है हमारी आज की डेस्टिनेशन, जो कि है ले। As you all know, Ladakh is famous for its landscapes and road. So in this vlog, I'll be showing you the most amazing landscape जो बस लद्दाख में ही मिलने वाले हैं। सुबह हमारे निकलते ही थोड़ी सी बारिश हो गई थी और मौसम बहुत सुहाना हो गया था। और एक सजेशन है, अगर आप सरचू में अपना स्टे प्लान कर रहे हैं तो बुकिंग वगैरह पहले करवा लें, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अभी हम आ चुके हैं गाटा लूप्स पे और हम सारे लूप्स को काउंट करते हुए आ रहे थे। और जैसे ही 19th लूप आता है तो जिस भूत की बात मैं कर रहा था उसका घर भी दिखता है, जो कि कुछ ऐसा है। एंड माना जाता है यहाँ पे सब लोग पानी चढ़ाते हुए जाते हैं। तो अभी हम नकीला पास क्रॉस कर फिलअप कर रहे हैं जस्ट। और गेर क्यों रहे हो? गेर नहीं है। पिट्टू 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 ओए पिट्टू पिट्टू, अरे मत गिरो, आओ ना हम अपना बना दें। ने हमने बनाया है मैं और भाभी ने, तो मतलब सही है काफी। आ रहे हैं आ रहे हैं, धूप से पूरी लाल हो गई, देखो मैं कितनी टान। तो यहाँ का जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा अलग है, कभी कभी तो बीच में ऐसा लग रहा था कि हम सही जगह पर है ना, कहीं हम किसी दूसरे प्लैनेट पर तो नहीं आ गए हैं ना। बट हाँ, पहली बार देखने में काफ़ी सही लग रहा था। तो अभी हम फाइनली पांग पहुंच चुके हैं, जो कि है 15,000 कुछ फीट की हाइट पे। और मतलब सीरियसली बोलो यार, जो इसके लैंडस्केप है क्या अमेजिंग है। अब ऐसे ऐसे तरीके पहाड़ देख लिए ना, अब तो जो और जगह है अब तो पता नहीं, बच्चा सी लग रही है इसके आगे। पूरे 100 किलोमीटर तक एक भी पेड़ ना कुछ भी है। इसी चक्कर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सर में दर्द वगैरह होता है। बट हाँ, देखने लायक है जगह, मज़ा आ गया एकदम। तो चलो अब आगे मिलते हैं।
दिस इज़ वाई आई लव मोरी प्लेन्स। बिल्कुल प्लेन रोड पहाड़ों के बीच में काफ़ी सही चीज़ है, और लद्दाख और रोड पे बैठ के फ़ोटो ना खींच पाओ तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो फाइनली मेड इट टू थांगलांगा पास। तो यहाँ पे भी यार बहुत अमेजिंग लैंडस्केप है, जैसे यहाँ पे काफ़ी मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, और यहाँ पे थोड़े बर्फ़ वाले पहाड़ भी हैं, और नीचे तो अलग ही टाइप की वादियाँ हैं। तो बहुत अमेजिंग है यार, और यहाँ का मतलब सेकेंड हाइएस्ट पास है, तो थोड़ा सर में भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, बट हाँ बहुत सही जगह है। सामने चलते हैं, वहाँ से बहुत तगड़ा व्यू है। तो येरा सामने का व्यू बहुत अमेजिंग है, सही होता है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है, बट यस बहुत सही। अभी तक तो थोड़े थोड़े पर्पल पहाड़ी स्टार्ट हुए थे, मगर जैसे ही हम आगे गए पूरे पहाड़ पर्पल हो गए थे, और काफ़ी सही लग रहे थे। तो आज की हमारी कैंप साइट लोकेशन है ये, हम ले से 80-90 किलोमीटर दूर ही हैं बस। और क्या, तो आज का हमारा स्पॉट है ये, साइड में एक नदी बह रही है छोटी सी है, पीछे पर्पल कलर के पहाड़ हैं बहुत सारे। पहले खाने दो भैया, दो पहले 200 रुपये दो। आप खाओ भी, खाओ भाई। अभी हमारी प्लेट हम खाते हैं फिर बस वादियों के बीच में बैठ के। तो लेह पहुँच के काफ़ी सही फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हमें पूरे 3 दिन लगे यहाँ तक आने में, और दिन के टाइम यहाँ काफ़ी गर्मी है, बट हाँ शाम में मौसम काफ़ी बेटर हो जाता है, तो थोड़ा उस हिसाब से पैकिंग करना। तो फाइनली वी हैव रीच अवर होटल अराउंड 3-4 बजे तक, बट हाँ जर्नी काफ़ी अमेजिंग थी इसकी, और होती भी क्यों ना, आफ्टर ऑल इट्स लद्दाख। तो ये है हमारा होटल लद्दाख में, जिसमें हम स्टे करने वाले हैं, और यहाँ से व्यू काफ़ी सही आता है। यहाँ का एक फायदा है कि शांति स्तूप यहाँ से काफ़ी पास है, और वो हमारी बालकनी से भी दिख जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो मैं कुछ लोकल जगह कवर करने वाला हूँ, और हम निकल जाएंगे फिर पैंगोंग लेक के लिए। तो तब तक सी यू, बाय बाय, टेक केयर।